दोस्तों आप देख रहे हैं टेक एंड ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल टेक एंड ऑनलाइन सॉल्यूशन में एक बार फिर से दोस्तों आपका स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं जियो पेमेंट्स बैंक के बारे में। अगर आप घर बैठे जियो पेमेंट्स बैंक ओपन करना चाहते हैं, डिजिटल अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। सारे प्रक्रिया आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि जियो पेमेंट्स बैंक किस तरह से आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी जीरो सेविंग अकाउंट। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कहीं भी बैंक ब्रांच विजिट करने की रिक्वायरमेंट दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो चलिए सब कुछ जानने के लिए वीडियो हमारे साथ दोस्तों बने रहे हैं। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों यहां पर जियो पेमेंट बैंक ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें माई जियो ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना होगा गूगल प्ले स्टोर से। मैंने यहां पर इंस्टॉल कर लिया है, इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप यहां पर मोबाइल नंबर डालेंगे और नीचे से लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे और इस तरह से ऐप को आपको प्रॉपर तरीके से परमिशन दे देना होगा। आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया है उस पर 6 डिजिट का OTP कोड आएगा जो कि आप यहां पर मैनुअल तरीके से फिलअप कर सकते हैं या फिर ऑटो वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद आपको ऐप को परमिशन दोस्तों यहां पर कम्प्लीटली दे देना है। इस तरह से आप ऐप के अंदर लॉगिन हो जाते हैं। दोबारा आप ऐप को ओपन दोस्तों यहां पर करेंगे और इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। जब आप लॉगिन हो जाते हैं ऐप के अंदर में तो आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा। आपको ऑप्शन दिखाई देगा जियो पेमेंट्स बैंक को लेकर। उससे पहले जियो UPI के नीचे जस्ट जियो पेमेंट बैंक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। व्यू मोर के ऊपर क्लिक करके आप अगले डैशबोर्ड के ऊपर बढ़ सकते हैं या फिर ऊपर वाले सेक्शन आप जैसे कि देख सकते हैं UPI का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। फिर आप इस डैशबोर्ड पे आ जाएंगे जो कि जियो पेमेंट बैंक से रिलेटेड वो सारे प्रक्रिया आप कर पाएंगे, जिसमें कि पैसे लेन देन कर सकते हैं, पासबुक चेक कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, पैसे को सेंड कर सकते हैं। नॉर्मल बैंकिंग की तरह आप इस बैंक का भी सेवा उपयोग में ले पाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पर देख सकते हैं वेलकम जियो पेमेंट बैंक ऑप्शन आ रहा है। ज्वाइन नाउ के ऊपर आप दोस्तों क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा वेलकम टू जियो पेमेंट्स बैंक। अकाउंट क्रिएट करने से पहले आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होने चाहिए ताकि आप यहाँ पर डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। लेकिन याद रखिएगा आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए ताकि आधार OTP के बेस पे आप इंस्टेंट जियो पेमेंट बैंक ओपन कर सकते हैं। नीचे से आप नेक्स्ट करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ऊपर 6 डिजिट का OTP कोड आएगा। आप यहां पर फिलअप करेंगे और नीचे से सबमिट कर देंगे। इस तरह से टर्म्स कंडीशन एक बार अपने से पढ़ लेंगे, रीड करेंगे, सहमत हैं तो आप आगे बढ़ने के लिए आई एक्सेप्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट यहाँ पर वेरिफिकेशन करानी होगी यानी KYC को लेकर। आप यहाँ पर मोबाइल नंबर, आधार नंबर या फिर यूजर नेम आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। मैं यहाँ पर वही मोबाइल नंबर डालूंगा जो आधार कार्ड से लिंक है। उसके बाद साइन इन विद OTP के ऊपर हम क्लिक करेंगे। दिए गए नंबर पे OTP कोड आएगा, OTP कोड फिलअप करेंगे जो कि 6 डिजिट का होगा और उसके बाद नीचे से हम कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर दोस्तों क्लिक कर देंगे। ये डिजी लॉकर के जरिए से KYC कंप्लीट हो रहे हैं जो कि आपको प्रोसेस देखने को मिल रहा होगा। डिजी लॉकर के अंदर में 6 डिजिट का MPIN होगा, आप इसे फिलअप करेंगे और नीचे से सबमिट करेंगे जो भी आपका होगा। इस तरह से जियो पेमेंट बैंक को आपको कंसेंट देनी होगी यानी अलाउ यहां पर कर देना होगा कि आपके डिजी लॉकर के जरिए से आधार के डेटा फैच कर लिया जाता है। इस तरह से आप यहां पर देख पाएंगे आधार का डेटा जो भी है यहां पर फैच कर लिया गया है पर्सनल डिटेल्स के अंदर में, जिसमें कि नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम्स वगैरह, फादर्स नेम वगैरह चीजें आ जाती है। उसके बाद फाइनेंशियल डिटेल्स आपको बताना होगा, पैन नंबर डालनी होगी, मैरिटल स्टेटस बताना होगा, आप करते क्या हैं, मदर्स नेम डालें, क्या करते हैं, किस तरह का काम करते हैं, बिजनेस क्या है, कितने आपकी इनकम है, वो चीजें आप डालेंगे और साथ ही साथ आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर खुद से फिलअप करना होगा। कुछ डिटेल आधार कार्ड से फैच कर लिया जाता है। यहाँ पर आप अपना हाउस नंबर वगैरह डिटेल डालेंगे। अगर करेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो इसे चेकआउट करेंगे। दोस्तों उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या आप इस अकाउंट के साथ नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं, तो यस करके आप आगे बढ़ सकते हैं अन्यथा नो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। यस करते हैं तो आपको बताना होगा कि आपकी अकाउंट होल्डर के साथ क्या रिलेशन है, उसके एड्रेस क्या है वो आपको बतानी होगी, डेट ऑफ बर्थ उनका डाल और साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद दोस्तों नीचे से नेक्स्ट कर लेंगे नाम वगैरह डिटेल फिलअप करने के बाद। एक बार दोस्तों अपना फिर से डिटेल चेक कर लें, जो भी आपने यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स, फाइनेंशियल डिटेल्स और नॉमिनी डिटेल्स आपने जो फिलअप किया है क्या यह सही है या फिर नहीं। यदि सही नहीं है
तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। राइट साइड में आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, नीचे से आप प्रोसीड वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यदि दोस्तों अगर आपका सब कुछ सही प्रोसेस रहा तो वीडियो केवाईसी को लेकर यहाँ तक प्रोसेस में आप आ जाएंगे। दोस्तों यदि आपका सब कुछ सही प्रोसेस रहा तो आप वीडियो केवाईसी वेरिफिकेशन के पेज पर आप आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड और एक ब्लू पेन और व्हाइट पेज आपके पास होने चाहिए, ताकि वीडियो वेरिफिकेशन कराने वक्त आपके आधार कार्ड पैन कार्ड डिटेल्स मांगा जाता है। वीडियो वेरिफिकेशन कराने के लिए नीचे से प्रोसीड वाले बटन के ऊपर दोस्तों क्लिक करेंगे और थोड़ा आप दोस्तों वेट कर लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, गुड लाइटिंग होनी चाहिए, गुड इंटरनेट होनी चाहिए, पैन कार्ड अपने पास रेडी रखें, आधार कार्ड वगैरह भी आपको रेडी रखना होगा, एक ब्लैंक पेज और पेन के साथ रेडी रहें। नीचे से स्टार्ट कॉल विद एजेंट के ऊपर क्लिक करिए। इस तरह से आपका जो कनेक्टिविटी होगा एक एजेंट के साथ कनेक्ट होगा, उसके बाद आपसे बातचीत होगी, आप उससे जो चीजें पूछा जाएगा वो आपको नॉर्मली जवाब दे देने हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर दोस्तों वीडियो केवाईसी आपको कुछ इस तरह से कर लेना है। आपसे एजेंट आपसे वार्तालाप करते हैं और आपसे पूछते हैं आप करते क्या हैं, आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वेरिफिकेशन होंगी, साथ ही साथ आपका आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह सारी डिटेल आपसे कुछ इस तरह से लिया जाता है, ताकि आपकी कंप्लीटली वेरिफिकेशन वीडियो केवाईसी के थ्रू हो सके और कहीं बैंक ब्रांच विजिट करने की रिक्वायरमेंट दोस्तों नहीं पड़ेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर दोस्तों केवाईसी कंप्लीट हो जाती है, कुछ इस तरह से वीडियो केवाईसी इसी तरह से किया जाता है। जियो पेमेंट बैंक खोलने के लिए सबसे आसान तरीका यही है, और इस तरह से आप देख सकते हैं वीडियो केवाईसी यहाँ पर कंप्लीटली सक्सेसफुली मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। दोबारा आप ऐप से बाहर आएंगे और इस तरह से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कांग्रेचुलेशन योर जियो पेमेंट बैंक अकाउंट इज सक्सेसफुली। जैसा कि आप देख सकते, दोबारा आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और उसके बाद आपको दोबारा नीचे आपको स्क्रॉल करना है जहां आपका जियो पेमेंट बैंक का सेक्शन होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा जियो पेमेंट बैंक, जो कि अकाउंट नंबर भी मिल चुका है। इसके ऊपर आप दोस्तों यहां पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपने यहां पर देखा कि अकाउंट बैलेंस जो है फिलहाल जीरो है, जीरो सेविंग अकाउंट है, डिजिटल तरीके से अकाउंट ओपन किया गया है, कहीं बैंक ब्रांच विजिट करने के दोस्तों रिक्वायरमेंट नहीं पड़ते हैं। जियो पेमेंट बैंक के अंदर में आप नीचे में देख पाएंगे कार्ड नंबर आपको देखने को मिलेगा और नीचे में कोई भी बैलेंस नहीं है। अब ऐसे में अगर हम किसी भी फोन पे पेटीएम के साथ अगर यूपीआई लिंक करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, वो भी आप आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जियो पेमेंट बैंक के अंदर में आपका बैंक अकाउंट नंबर, बैंक आईएफएससी कोड, यूनिक रिलेशनशिप नंबर, अकाउंट टाइप, कार्ड नंबर और एक्सपायरी डेट भी आपको यहाँ पर दोस्तों मिल जाएंगे कंप्लीट एड्रेस के साथ। अब ऐसे में आप इसके ऊपर आप टैप करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा जियो पेमेंट बैंक के साथ साथ आपको कार्ड नंबर और एक्सपायरी डेट आपको मिल जाती है। अब यहाँ पर फोन पे पेटीएम जैसे गूगल पे एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, फोन पे या फिर पेटीएम के साथ लिंक करके लेन देन करना शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जियो पेमेंट बैंक ओपन दोस्तों बड़े आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों आपको ऊपर में यूपीआई का सेक्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आप दोस्तों क्लिक करेंगे और इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वेलकम टू जियो यूपीआई। चलिए देखते हैं कि इस तरह से हम लिंक कर सकते हैं इस ऐप के जरिए से। गेट स्टार्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपका रजिस्टर्ड नंबर ऊपर में देखने को मिलेगा और जियो पेमेंट बैंक आप चूज करेंगे और इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं बैंक यहाँ पर ऑटोमेटिक लिंकिंग का प्रोसेस चल रहे हैं, थोड़ा आपको यहाँ पर दोस्तों वेट कर लेना होगा। और इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर अकाउंट ऐड सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर प्रॉपर हम यूपीआई की तरह इस बैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्यूआर कोड और जियो पेमेंट बैंक की सारी डिटेल्स और यहाँ पर हम बैलेंस भी यहाँ तक चेक कर सकते हैं। नॉर्मल पेटीएम बैंक की तरह आप इस ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बैंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेन देन भी कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से जियो पेमेंट बैंक ओपन कर सकते हैं। उम्मीद करती है जानकारी आपको दोस्तों काफी पसंद आए होंगे, वीडियो पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।